अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि आज 19 मई है और आज से जो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी की करेक्शन विंडो थी वो ओपन होने वाली थी, तो आज से वो फाइनली ओपन हो गई। जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं या जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म डेफिशिएंट हुए हैं उसकी ऑलरेडी जेके बोपी वालों ने जो है लिस्ट निकाली। लगभग 1400 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जिनके फॉर्म्स गलत थे, वो मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया, आप एक बार वहाँ से देख लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूं किस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है उसको एडिट कर देना है। तो सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिशिएंसीज की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म अप्रूव हुआ है तो उनको कुछ भी नहीं करना, वो चुपचाप साइड में बैठ दीजिए। तो वो पहले अपना नाम वहां पर चेक कर देना पीडीएफ में, तो वहां पर नहीं होगा, जिनका अप्रूव है उनका नाम वहां नहीं होगा, तो स्टिल आप एक बार चेक कर लेना, वहां से नाम तो है नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स का है तो उनको साइड रख दीजिए, उनको कुछ भी नहीं करना है। जिन स्टूडेंट्स का डेफिशिएंट फॉर्म है तो उनको क्या करना है, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं समझा देता हूं। डेफिशिएंसीज दो टाइप की होती हैं, एक जिस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट गलत डाले हैं या कोई डॉक्यूमेंट डाला ही नहीं है, पीडीएफ में मेंशन है, आप एक बार देख लीजिए पीडीएफ को, टेलीग्राम पे वहां पे मैंने डाल दिया है। डाउनलोड करने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ की, एक बार डाउनलोड करके देख लेना कौन कौन डॉक्यूमेंट मुझे चढ़ा देना है। तो डेफिशिएंसीज की बात हम कर रहे थे कि डेफिशिएंसीज दो टाइप की होती हैं, एक डॉक्यूमेंट जिस स्टूडेंट ने गलत डाले हैं या कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया होगा, एक डेफिशिएंसी उसकी वजह से आपको फॉर्म डेफिशिएंट हुआ है। सेकंड डेफिशिएंसी कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म अपना गलत फिल कर दिया, लाइक अपना नाम मार्कशीट पे एक था, वहां पे अलग नाम लिख दिया उसने, पेरेंटेज गलत लिख दी, आधार नंबर वगैरह ये कुछ गलत लिख दिया या कुछ और गलती उसमें कर दी दूसरी टाइप की डेफिशिएंसी से, ठीक। तो जो नाम में कुछ थोड़ी सी करेक्शंस होती हैं, एड्रेस में थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ करेक्शन होते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो छोटी डेफिशिएंसी जो है वो करेक्ट हो जाती हैं जेके बोपी से, वो खुद करते हैं, जो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यानी आईटी का स्टाफ जो होता है वो उसको खुद ठीक करते हैं, उनका काम ही यही होता है। अगर बाय द वे स्टिल किसी स्टूडेंट का वहां पे गलत है तो उसको कैसे देख लेना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये बड़ी डेफिशिएंसी इसकी वजह से आपका फॉर्म डेफिशिएंट और रिजेक्ट भी हो सकता है, उसको बता देता हूं किस तरह से आपको ठीक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको लिंक मैं दे दूंगा जेके बोपी की करेक्शन विंडो जो है इसकी लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे आप उस पर टैप कर दोगे तो आपके पास इस तरह की साइट ओपन हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्रोम ब्राउजर चलाते हैं, उन स्टूडेंट्स के पास या मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पीसी नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता है, तो उनको जो है फोन में वो सोचते हैं कि फोन से शायद हमारा एडिट नहीं होगा तो किसी ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फोन से जो है सारा काम कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स। अगर क्रोम से आपका जो है साइट चलेगी नहीं अच्छे से, क्योंकि क्रोम में साइट में काफ़ी ज़्यादा एरर आते हैं, इतना ज़्यादा लोड है इस पर, तो एक काम कर देना, आप प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, ब्राउज़र जिसको हम कहते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र, FIREFOXBROWSER, आप उधर प्ले स्टोर में सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर देना, 30-40 MB की एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है कि सारी साइटें जो है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती हैं, कोई भी एरर इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपके पास पे इस तरह की का जो है यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिखता है तो ऊपर जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है यहाँ पे आप टैप कर देना, टैप करने के बाद नीचे आपको अगर दिखेगा कि सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एप्लीकेशन स्टेटस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपकी लगानी है जो आपको फॉर्म फिल करते समय मिली थी, मैसेज में भी मिली होगी, वहाँ से पीडीएफ या प्रिंट आउट मिला उसमें भी मेंशनड होगी, तो डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे है वो डालनी है और कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। लोगे तो आपके पास इस तरह की का फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। इधर अगर आप देखोगे फॉर्म स्टूडेंट का डेफिशिएंट है तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे अपलोडेड यस दिखा रहा है और यहाँ पे व्यू दिखाएगा आपको, तो व्यू करके यहाँ पे आप इसको डिलीट कर देंगे या यहाँ पे डिलीट का इस स्टूडेंट ने अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो अभी इसका डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपका आ जाएगा, आप डिलीट करके दोबारा से यहाँ से अपलोड कर दोगे। तो ये प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपको अपलोड कर देना है और आपको वेट करना है उसके बाद 3-4-5 दिन का, तो आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अभी अगर किसी स्टूडेंट का वहाँ पर एड्रेस गलत है, उसकी वजह से डेफिशिएंट है, या डॉक्यूमेंट वहाँ पर सारे दिखा रहे हैं कि अप्रूव हुए हैं, फिल हुए हैं, लेकिन स्टिल डेफिशिएंट है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जेके बोपी के ऑफिस जाना पड़ेगा, श्रीनगर में है, जम्मू डिवीजन जो है उनको जम्मू जाना पड़ेगा, या कहीं पे भी नजदीक पे जो भी जेके बोपी का ऑफिस है वहां जाना पड़ेगा उनको, तो वहां से आपका सारा फॉर्म जो है वो दोबारा से एडिट हो जाएगा। फॉर्म में जो गलती हुई है अंदर से वो यहां पे आपको फोन से ठीक नहीं होंगे, उसके लिए आपको जेके बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं तो आप एक काम कर दीजिए, आप अगर जेके बोपी वालों को फोन करते हैं तो वो फोन पे भी इसको ठीक कर सकते हैं,
लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप अपना फॉर्म जो है वो ठीक करवा दीजिए। आप जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्रूव है, उनको कोर्स किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है उस टाइम ठीक, अब वो कह रहा है कि मुझे पैरामेडिकल भी करना था, टेक्नोलॉजी भी करना था, उसके भी टिक करनी है, या मैंने तीनों पर टिक किया है तो मुझे एक ही पे करना है, तो आप एक काम कर दीजिए, आप जेके बोपी वालों को फ़ोन कर दीजिए, वहाँ से आपको वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप जेके बोपी ऑफिस जाइए, वहाँ से आपका फॉर्म जो है वो ठीक हो जाएगा। जो भी इसके अलावा गलती है वो वहाँ से आपको ठीक हो जाएगा। आप जिन स्टूडेंट्स का डेफिशिएंट था उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वेट कर लो, नहीं तो जेके बोपी वालों को फ़ोन कर दो, वो उसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, अब उनका काम है वहाँ पर वो ठीक करना। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय दोबारा से आपको ध्यान रखना है, आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दें और सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना साइन उस पर होना चाहिए। अगर बाय द वे साइन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि साइन भी उस पर होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर था आपका जो डॉक्यूमेंट्स थी यानी डेफिशिएंसी जो फॉर्म्स में थी उसको करेक्ट करने की, यानी करेक्शन विंडो का प्रोसीजर जो था वो हमने आपको समझा दिया। होप आपके अभी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूजन और है, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं।